नहीं जी, आज वाला जो हमारा लेक्चर है ना वो है हाउ टू रिकॉर्ड सेल ऑर्डर हेडिंग के लोग। हम देख लेते हैं सेल ऑर्डर की ऑप्शन। टास्क पे क्लिक करेंगे और टास्क में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कोटेशन सेल्स ऑर्डर प्रपोजल, में सेकंड ऑप्शन है सेल्स ऑर्डर, इसकी दूसरी ऑप्शन है आप कस्टमर एंड सेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रही है सेल्स ऑर्डर। और अगर आप इसकी शॉर्ट की प्रेस करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस के प्लस क्यू प्लस ओ। ठीक है, अच्छा जी ये देखें तो जैसे हमने अभी परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड किए हैं बिल्कुल उसी तरह हम सेल ऑर्डर भी रिकॉर्ड करेंगे, बस ऑप्शन थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सेल्स ऑर्डर की डिटेल है जो डिफरेंट कस्टमर में हमें प्लेस किए हुए हैं। यहाँ पर देखें तो मिस्टर अली ने, ठीक है, 15 जनवरी को हमें सेल ऑर्डर प्लेस किया है जिसका ऑर्डर नंबर 1 है, क्योंकि हमारा न्यूली बिजनेस है और हमें पहला ऑर्डर रिसीव हुआ है तो हमने उसको ऑर्डर नंबर 1 दे दिया, SON मतलब सेल ऑर्डर नंबर 01। ऑर्डर उसने किस किस चीज़ का दिया है, डेल का दिया है और LG का दिया है, और डेल की उसने 20 क्वांटिटी बताई है और LG उसको 15 चाहिए, टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी 747,500 जिसके ऊपर GST भी है। ठीक है, क्योंकि जो भी सेल्स होती है उसके ऊपर GST भी कलेक्ट किया जाता है और सेल टैक्स का भी अकाउंट हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। हम देख लेते हैं कि हम सेल ऑर्डर किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे और उसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे, टास्क में, और टास्क में हमारे पास ऑप्शन है कोटेशन और उसमें सेकंड ऑप्शन है सेल्स ऑर्डर। तो देखो बिल्कुल वैसी विंडो ओपन हुई है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई डिफरेंट चीज ही नहीं है। वहां पे ऑप्शन आती थी वेंडर आईडी और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कस्टमर आईडी। वहां पे आप क्लिक करते थे तो वेंडर की लिस्ट ओपन होती थी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर की लिस्ट ओपन होती। ठीक है, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे अली कंप्यूटर और यहाँ पे आगे हम डेट बता देंगे किस डेट को ऑर्डर दे रहा था, क्या थी ऑर्डर की डेट, नहीं जी 15 थी मेरा क्या 15 जैन को 20 और 15 जो है वो डेल की और LG का ऑर्डर दे रहे हैं, हम यहाँ से डेट बता देंगे 15 और इसमें भी हम क्या करेंगे 10 डेज का डिफरेंस डाल देंगे जो कि होगा, अच्छा वो दोबारा करेंगे नहीं लेंगे 15 और इसमें भी 10 डेज का डिफरेंट डाल लेते हैं, हम 25 कर लेते हैं और यहाँ पे SON01 सेल ऑर्डर नंबर 1। ठीक है जी, अच्छा सेकंड डेट का कोई इश्यू नहीं है, आप 2 दिन डाल लो, 5 दिन डाल लो, महीना डाल लो। ठीक है, फर्स्ट डेट का इशू है कि जिस डेट को ऑर्डर दी है तो फर्स्ट डेट आपकी करेक्ट होनी चाहिए, सेकंड डेट ना भी करेक्ट हो तो कोई इशू नहीं। अच्छा फिर हम क्वांटिटी बता देंगे, 20 है डेल के और 15 है LG, तो यहाँ से हम पहली आइटम बता देते हैं डेल है और दूसरी आइटम क्या है LG। यस सेम लिखेंगे, देखो ना डेल है और LG है ना, 20 और 15 है तो हमने 20 और 15 लिख दिया। अब इनकी टोटल अमाउंट आ जाएगी, ये देंगे 747,500, ये आपने अपनी इनवॉइस के साथ मैच कर लेंगे। अगर मैच नहीं हो रही तो फिर या आपने क्वांटिटी गलत लिख दी है या आपने उसकी सेलिंग प्राइस गलत लिख दी है, ऐसा भी हो सकता है कोस्ट की जगह आपने सेल प्राइस लिख दी और रेल की जगह कोस्ट प्राइस लिख दी, तो ये चीज़ आपने मैच करके चलना है क्योंकि इसको हमने आगे जाके रिकनसाइल करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपकी मैच होनी चाहिए, जो आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आप जो मर्जी करें। तो अब रही सेल टैक्स की बात, तो यहाँ पे आएंगे आपने इस मैग्नीफायर के बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे वही GST वाला अकाउंट आ जाएगा जो आपने बनाया होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो देखें ऑटोमेटिकली उसका सेल टैक्स कैलकुलेट होगा, आप वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यही सेल टैक्स जो है वो अपनी केस स्टडी के साथ मैच कर लेना है, उसकी टोटल अमाउंट आ रही है देखें 874,575, तो ये देखें 874,575
और सिंपल जी, और सिंपल क्या हो गया सेव कर देंगे तो इस तरह से एक सेव होगा। यहीं तक आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं।